इवनिंग एवरीवन, हम पढ़ रहे थे सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 7, फेयर प्ले। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों के बारे में है, जिनका नाम जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख जो है वो उनके एक आंट होती है, यानी उनकी एक चाची होती है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देती है कि वो मुझे अपने पास रखेगा और मेरी देखभाल करेगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो उसकी वाइफ है, जुम्मन की वाइफ, और वो उस अपनी जो चाची है उससे परेशान हो जाते हैं। तो उसकी चाची एक दिन उससे बोलती है कि तुम मुझे महीने का गुजारा भत्ता दे दो, या महीने की कुछ राशि दे दो, जिससे मैं अपना खाना है या अपना जो काम है वो अलग से कर सकूं। लेकिन जुम्मन उन्हें ये सब देने से मना कर देता है। तो फिर वो अपनी बात को पंचायत में लेके जाती है, तो आगे देखिए क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत थी वो उसी शाम, सेम इवनिंग यानी उसी शाम, अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, एक पुराना बरगद का पेड़ था, उसके नीचे पंचायत बुलाई गई, यानी गांव के जो मेन मेन लोग थे उनको बुलाया गया था। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंचों की जो आवाज है या उनका जो सुझाव है वो भगवान की आवाज है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी जो आंट है, जो चाची है, उनको हेड पंच यानी जो हेड है यानी मेन जो पंच है उनका नाम नॉमिनेट करने दो या सुझाने दो। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। अबाइड मीन्स होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, कि मैं उनका जो डिसीजन है, उनका जो निर्णय है, उसको स्वीकार करूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। एनिमी होते हैं शत्रु, कि जो पंच होते हैं वो ना तो दोस्ती जानते हैं और ना ही शत्रुता जानते हैं, यानी उनके लिए सब बराबर होते हैं, ना तो उनका कोई दोस्त है ना ही उनका कोई दुश्मन है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। द ओल्ड लेडी यानी वो जो चाची होती है वो अनाउंस करती है, यानी अपना सुझाव देती है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, कि अलगू चौधरी के बारे में तुम क्या कहोगे। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। फाइन यानी ठीक है, अच्छा, रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन आंसर देता है या रिप्लाई करता है, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, कि उसे वो अपनी खुशी को छुपाते हुए, क्योंकि उसे पता था कि जो अलगू चौधरी है वो उसका फ्रेंड है तो वो उसी की साइड लेगा, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये तो एक अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक यानी असंभावित तरीके से मिला हुआ, मतलब उसके लिए चांस हो गया कि उसकी जो चाची है उसने पंच के लिए यानी हेड पंच के लिए उसके ही दोस्त का नाम सजेस्ट किया है या उसी के दोस्त का नाम सुझाया है, तो वो क्या करेगा, उसी की साइड लेगा, वो ऐसा सोच रहा था। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची तुम मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में तो जानती ही हो। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट। चाची ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस। कॉन्शियस होती है अंतरात्मा, यानी अपने मन की जो आवाज होती है, कि यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस, कि तुम अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं मारोगे फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के नाते, कि दोस्ती को बचाने के लिए तुम दोस्ती को बचाने के लिए झूठ का साथ नहीं दोगे, मुझे ऐसा लगता है। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो भगवान होते हैं वो पंच के दिलों में रहते हैं, यानी उनका जो निर्णय होता है वो बिल्कुल ही क्लियर होता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, और उनकी जो आवाज होती है वो भगवान की आवाज है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और इसके बाद वो जो बूढ़ी महिला होती है, जो चाची है, वो अपने केस को या अपने मामले को एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन कहता है अलगू से कि यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, कि मैं और तुम पुराने मित्र हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी जो चाची है वो मुझे उतनी ही प्रिय है जितने की तुम हो। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, कि तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने इक्वल हो यानी बराबर हो।
व्हाट हैव यू से टू से इन योर डिफेंस, डिफेंस होता है अपने बचाव में, कि तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि 3 साल पहले my aunt transferred her property to me, कि मेरी चाची ने अपनी जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी या उनकी जो संपत्ति थी वो मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उन्हें ये प्रॉमिस किया था, ये वादा किया था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा या उनका साथ दूंगा एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक कि वो जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने वो सब किया जितना मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Quarrels means होते हैं झगड़े, कि there have been a couple of quarrels, कि अब कुछ झगड़े होने लग गए हैं between my wife and her, मेरी चाची और मेरी पत्नी के बीच, but I can't stop it, लेकिन मैं उन झगड़ों को रोक नहीं पा रहा हूँ। Now my aunt is claiming a monthly allowance from me, और अब मेरी चाची क्या कर रही है, क्लेम कर रही है कि मुझसे अपना मंथली यानी महीने का गुजारा भत्ता मांग रही है, कि महीने की मुझे कुछ राशि दो जिससे मैं अपना खाना अलग से बना सकूं। That is not possible, ऐसा नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है। That's all I have to say, बस इतना ही है जो कि मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन was cross examined by Algu and others, जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया यानी उससे सवाल के अंदर से भी सवाल पूछे गए, बाय अलगू एंड अदर्स, अलगू के द्वारा और जो वहां पर दूसरे पंच थे उनके द्वारा जुम्मन से सवाल पूछे गए। देन अलगू अनाउंस्ड वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, फिर अलगू ने अनाउंस की, घोषणा की कि हमें इस मैटर के बारे में अच्छे से जानना होगा। इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार में जुम्मन मस्ट पे हिज aunt a monthly allowance or else the property goes back to her, कि जुम्मन को क्या करना चाहिए, must pay his aunt a monthly allowance, कि जुम्मन को अपनी चाची को महीने का गुजारा भत्ता देना चाहिए, or else the property goes back to her, अन्यथा उसकी जो उसकी चाची की जो property है वो वापस उनके पास चली जाएगी। Now the two friends were seldom seen together, seldom means होता है कभी कभार, rarely, और अब ये सब होने के बाद, ये सब डिसीजन लेने के बाद, नाउ द टू फ्रेंड्स, वो जो दोनों मित्र थे अलगू और जुम्मन, वर सेल्डम सीन टुगेदर, वो कभी कभार ही साथ में दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, उनके बीच जो दोस्ती का जो बंधन था वो टूट चुका था। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना, कि इनफैक्ट यानी वास्तव में जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी, अब जुम्मन क्या हो गया था, अलगू का एनिमी यानी शत्रु बन गया था, एंड वांटेड हिज रिवेंज, और वो उससे अपना बदला लेना चाहता था। तो ये इसका सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।